एक गाना सुने, अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। अरे रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, तो मोदी जी तो इतना लोग का ब्याह का भी उम्र निकलता जा रहा है, नौकरी लगेगा तो सबका ब्याह हो जाएगा। तो भाई हम लोग नौकरी बांटना चाहते हैं, ये लोग हाथ में तलवार देगा, तलवार पकड़ोगे, एक दूसरे का गर्दन काटोगे तो जेल जाओगे या तो ऊपर जाओगे। नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा है कि नहीं है? महंगाई गरीबी मुद्दा है कि नहीं है? और नौकरी कितना लोग का सरकारी नौकरी का उम्र निकला जा रहा है कि हम लोग चाहते हैं आपका घर बसाना, आई लोग चाहते हैं आपका घर को बिगाड़ना और उजाड़ना। ये आप लोगों को तय करने का काम करना। लोग सोचा कि लालू जी को जेल भेज दोगे तो लालू जी डरा जाएंगे। अरे लालू जी डराए वाले हैं, हमने के भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़ते रहेंगे। अरे कौन सा गीत गाता था भाजपा वाला कि महंगाई डाइन खाई जात है। पहले भाजपा के महंगाई डाइन लगती थी, अब जब पेट्रोल डीजल 100 रुपया हो गया, 1200 गैस सिलेंडर हो गया, जब महंगाई चरम सीमा पर चली गई तो महंगाई डाइन नहीं नौकरी है भाजपा के, अब महबूबा भौजाई लग रही है। इस बार हेमंत जी ने, हम लोगों ने, राहुल जी ने तय किया है कि जैसे बिहार में हम लोगों ने नौकरियों की बहार लगाई थी, इस बार झारखंड में भी 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। तो ये सारा काम जो है हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी वाला बड़का झूठा पार्टी, ये बताओ ये मोदी जी कितना लोगों को ठगने का काम किया। आज हमारा असली दुश्मन बेरोजगारी है, आज हमारा असली दुश्मन महंगाई है, आज हम लोगों का दुश्मन गरीबी है, इससे हम लोगों को लड़ने की जरूरत है। लेकिन ये लोग केवल दंगा फसाद कराना चाहते हैं, भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना चाहते हैं। इन लोगों को हम लोगों को जवाब देना होगा। इंसानियत सबसे बड़ी बात होती है और हम सब लोगों को मिल करके रहने की जरूरत है। ये देश सबों का देश है, इस देश की आजादी में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों ने अपना कुर्बानी और सहयोग देने का काम किया। इसलिए ये लोग कौन सी बात करते, मुद्दे की बात नहीं करते, असल मुद्दा है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का। लेकिन ये भाजपा के लोग केवल बात करेंगे हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पाकिस्तान कश्मीर, एगो नया नया लोग आया घुसपैठिया का बात कर रहा है। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं। हम लोग चाहते हैं आपके हाथ में कलम मिले, हम लोग कलम बांटने का काम कर रहे हैं, और भाजपा के लोग जो है तलवार बांटने का काम कर रहे हैं, नफरत बांटने का काम कर रहे हैं। कितने लोग बेरोजगार है जरा हाथ उठा के बताना, नौजवान पढ़ा लिखा, बताओ नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा है कि नहीं है? महंगाई गरीबी मुद्दा है कि नहीं है? और नौकरी कितना लोग का सरकारी नौकरी का उम्र निकला जा रहा है, कितना लोग का ब्याह का भी उम्र निकलता जा रहा है, नौकरी लगेगा तो सबका ब्याह हो जाएगा। तो भाई हम लोग नौकरी बांटना चाहते हैं, ये लोग हाथ में तलवार देगा, तलवार पकड़ोगे, एक दूसरे का गर्दन काटोगे तो जेल जाओगे या तो ऊपर जाओगे। हम लोग चाहते हैं आपका घर बसाना, आई लोग चाहते हैं आपका घर को बिगाड़ना और उजाड़ना। ये आप लोगों को तय करने का काम करना। ये भाजपा के लोगों से कोई डरे वाला है? आज आप देखिए, हम तो डरने वाले लोग नहीं हैं। लोग सोचा कि लालू जी को जेल भेज दोगे तो लालू जी डरा जाएंगे। अरे लालू जी डराए वाले हैं, हमने के भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़ते रहेंगे।
फिर हम पे मुकदमा किया। सोचा कि लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा, तो जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का लड़का डराने वाला है। अरे हम लोग लड़ रहे हैं, सांच को आंच किस बात की। आप देखिए यही भाजपा वाला लोग महंगाई को लेकर के कौन सा गाना गाता था, जब गैस सिलेंडर 400-500 रुपया मिलता था तो बीजेपी को महंगा लगता था। वही प्याज का कीमत, प्याज का माला पहन पहन के लोग गाना गाता था। पेट्रोल डीजल जब 60-70 रुपया था तो महंगाई नजर आता था भाजपा के लोगों को। आज पेट्रोल डीजल 90-100 रुपया हो गया है, 1200 रुपया गैस सिलेंडर का हो गया है। पहले कौन सा गीत गाता था भाजपा वाला कि महंगाई डाइन खाई जात है। पहले भाजपा के महंगाई डाइन लगती थी, अब जब पेट्रोल डीजल 100 रुपया हो गया, 1200 गैस सिलेंडर हो गया, जब महंगाई चरम सीमा पर चली गई तो महंगाई डाइन नहीं नौकरी है भाजपा के, अब महबूबा भौजाई लग रही है। बताइए हद है भाई। आप बताओ 60 रुपया प्रति लीटर जो पेट्रोल मिलता था वो महंगा है कि 100 रुपया वाला महंगा है? 100 रुपया वाला ना तो भाजपा के राज में हो गया। गैस सिलेंडर 400-500 रुपया मिलता था और अब मिल रहा है 1200, कौन महंगा हुआ? लेकिन भाजपा के लोग के अब महबूबा लग रही है। बीजेपी का लोग ना बेरोजगारी के बारे में बात करेगा, ना गरीबी के बारे में बात करेगा, ना महंगाई के बारे में बात करेगा। ये लोग मुद्दे की बात एकदम नहीं करते। और मोदी जी ने वादा किया था कि जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो 1 साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? और क्या बोले थे कि 15-15 लाख रुपया खाता में जाएगा। गया किसी के 15-15 लाख रुपया खाता में? किसी को मोदी जी ने नौकरी दिया? कहां गया ये सब? सब कुछ जो है बेईमानी। इसलिए हम लोग कहते हैं बीजेपी का लोग बड़का झूठा पार्टी वाला लोग है। एगो गाना चला था मोदी जी पे ठीक बैठता है, ये लोग तो सुने हुए हैं। आप लोग नहीं सुने तो कहिएगा तो सुना देंगे। एगो गाना सुने, अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। अरे रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो। तो मोदी जी तो लोगों को बेवकूफ बनाने में माहिर है, झूठ बोलने में। अगर किसी को अवॉर्ड देना है कि देता है तो मोदी जी आते हैं। आप देखिए ये देवघर का इलाका है, भाई सुरेश पासवान जी 10 साल से अभी विधायक नहीं बने। भाजपा जीती है कि नहीं जीती है? 2014 में भाजपा की सरकार थी, भाजपा का विधायक था, क्या किया उस विधायक ने देवघर के लिए? फिर पिछला जो चुनाव हुआ कम वोट से ही हार गए, फिर वही विधायक फिर से जीता। 10 साल आप लोगों ने भाजपा के विधायक को, सरकार को भी मौका दिया, लेकिन भाई सुरेश पासवान जी ने जो काम किया उसके बाद देवघर में, मोहनपुर में कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। इनसे ज्यादा सज्जन व्यक्ति, सबको लेकर के चलने वाला व्यक्ति है, सबको मिला जुला करके चलने वाला व्यक्ति है। इसलिए लालू जी ने हमेशा इन पे भरोसा करने का काम किया। ईमानदार आदमी है, दुख हो सुख हो हर टाइम जो है क्षेत्र में आप लोगों का सेवा करने का काम करते हैं। आप लोगों के हारे हैं बेचारे तो भी जनता के बीच रहने का काम करते हैं। आप सब लोगों से यही विनती है, लालू जी का भी यही संदेश है कि एक एक वोट जो है इस बार सुरेश पासवान जी को लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से आप लोग विजय बनाने का काम करें।
और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग अगर इनको जिताने का काम कीजिएगा तो इनको हम लोग अहम जिम्मेदारी देने का काम करेंगे, ताकि आपकी सेवा में कोई कमी जो है ना छूटे, आप लोगों की तरक्की हो, आप लोग जो है आगे बढ़े, इसलिए जो है इनको हम लोग जो है ताकत देने का काम करेंगे। लेकिन आप असली मालिक हैं, आप लोग जनता हैं, आप लोगों को चुनना है, इसलिए लोकतंत्र का असली मालिक आप लोग हैं। इसलिए आज मालिकों के बीच है आए हैं।